प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 11 नवंबर से दक्षिण भारत के 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 25,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु के विधान सौध में संत कबीर श्री कनक दास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं का पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे बेंगलुरु में KSR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत और भारत गौरव काशी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा बेंगलुरु में नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे 6 लेन के ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के आंध्र प्रदेश खंड की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के रामा गुंडम में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे।